हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू केम सो माय नेम इज नितिन गडविन। वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8A वी हैव प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 10/30। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कहा गया है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया हुआ है या फिर जो ब्लैंक दी गई हुई है, वहां पर कोई एक ऐसा नंबर लाओ कि जिससे 2/3 मल्टीप्लाई बाय कोई नंबर हो जाए तो आंसर हमें मिले 10/30। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। उसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो हमें नंबर मिलेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले तो हम यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो एक बार लिख लेते हैं। क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स, बॉक्स यानी कि ब्लैंक, ब्लैंक यानी कि क्या है, यहां पर कोई फ्रैक्शन वाला नंबर होगा तो बस हम ये लाइन ही कर देते हैं, इज इक्वल टू 10/30। ओके, यहां पर हमें क्या करना है, 2 के साथ को एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि जिससे आंसर आ जाए हमारा 10। 2 का टेबल बोलना है जहां पर 10 आए वहां तक रुकना है। चलो 2 4 8, 2 5 10, तो 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आएगा 10। तो यस 2 5 10। उसके बाद 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाई कराऊ, क्वेश्चन पूछना है। वी हैव टू क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी मल्टीप्लाई विद द 3 टू गेट द आंसर 30। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 30। तो यस इजीली आप बोलोगे कि सर 3 10 30, तो ये जो 5/10 आया वो है हमारा बॉक्स, 5/10। बॉक्स के अंदर क्या आंसर आएगा 5/10। चलो ये तो फर्स्ट का हो गया। फिर सेकंड हमारा क्या था कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमें क्या मिला, बॉक्स के अंदर मिला हमें 5/10। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है तो लास्ट में जो आ जाए जहां पर ऊपर या नीचे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है तो वो होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो तो अगर इसे हम काटे तो किस तरह से होगा, 5 1 5 एंड 10 है तो 5 2 10, दोनों में कॉमन क्या था 5 5 कॉमन, तो आंसर बच क्या गया हमारे पास 1/2। तो 1/2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। 1/2 क्या है, 1/2 वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है हमारे पास 1/2। तो 1/2 इज अवर फाइनल आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। नाउ वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट एग्जांपल। पर मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सके या फिर पॉज करके भी पूरा लिख सके।